आज का प्रातः क्लास है तीस अप्रैल 1964। रिकॉर्ड चला है हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। ओम शांति का अर्थ भी बच्चों को अच्छी तरह से धारण करना है। भारत में अनेक मनुष्य हैं जो ये उच्चारण करते हैं, ओम शांति, परंतु अर्थ एक भी नहीं जानते हैं। और तुम बच्चे जानते हो कि ओम मना अहम आत्मा, कैसे हर आत्मा ओ और ऊ को मिला के बनता है। आ माना ब्रह्मा, ओ माने विष्णु, मा माने महेश। जैसे शिव की आत्मा में ये तीन कार्यकर्ता सदैव समाये हुए हैं, ऐसे ही हर मनुष्य आत्मा के अंदर ब्रह्मा के रूप में नए दिव्य गुणों की स्थापना रूपी ब्रह्मा है, मन रूपी ब्रह्मा, और उन गुणों की पालना करने वाला वो विष्णु, वो भी एक कार्यकर्ता, और मां महेश, जो भी दुर्गुण आते हैं पांच हजार वर्ष के षष्ठी चक्र में कार्य करते करते आत्मा में उन दुर्गुणों का संहार करने वाला महेश अर्थात शंकर, विनाशकारी। तो हर आत्मा में ये तीन कार्य करता है, मन रूपी ब्रह्मा, विष्णु रूपी पालन करता और महेश रूपी संहारक। मन हर आत्मा में स्थापना, पालना और विनाश का कार्य नुदा हुआ है, इसलिए आत्मा को कहेंगे ओम। आ ऊ मा तीनों का संकलन किया तो हुआ ओम, मैं आत्मा। और ओम की बात ओम शांति माना मुझे आत्मा का धर्म क्या है, है मूल रूप में धर्म क्या है, मूल रूप में मैं आत्मा कहाँ थी, है परमधाम वासी थी और परमधाम का धर्म क्या है, धारणा क्या है परमधाम की, अखंड शांति। तो मैं आत्मा मूल रूप में शांत स्वरूप हूँ, ये ओम शांति का अर्थ है। तो इसका अर्थ हुआ स्वकीय आत्मा का धर्म शांत स्वरूप है, क्योंकि
मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान। आत्मा किसकी संतान है? परमपिता परमात्मा शिव की संतान। कैसे? परमपिता परमात्मा शिव की संतान कैसे? शिव कोई बच्चा पैदा करता है क्या? हाँ, हाँ। शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हम आत्माओं को अपने स्वरूप का ज्ञान दिलाते हैं। रावण ने हमें अपना स्वरूप भुलाई दिया। रावण देह अभिमानी है तो देह अभिमान में हमको डुबो दिया। तो बाप आकर के हमको बताते हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम क्या हो? तुम आत्मा हो, शांत स्वरूप हो। तुम आत्मा के मन बुद्धि रूपी और संस्कार रूपी तीन शक्तियां सदैव तुम्हारे अंदर समाई हुई हैं। रहने वाले भी शांति धाम के। तो अभी अपना ऑक्यूपेशन नहीं भूल सकते हो ना? क्या ऑक्यूपेशन हुआ है? हमारा धंधा आत्मा का क्या हुआ? सदैव शांत स्वरूप रहना। पक्का हो गया है गोपाल भाई? पक्का हो गया? हम आत्मा का स्वरूप सदैव शांत स्वरूप रहना, ये हमारा धंधा है। कोई कितना भी हमको उत्तेजना मिलाए, कोई कितना भी हमको क्रोध मिलाए, कोई कितना भी हमको कामनाओं की ओर आकर्षित करे, लेकिन हम क्या करें? सदैव शांत स्वरूप में रहें। ये तो बिल्कुल कामन बात है। जो कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं, दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं है जो आत्मा के धर्म को जानता हो। वो तो ओम का अर्थ बड़ा लंबा चौड़ा कर देते हैं। नहीं, ओम का अर्थ बिल्कुल सिंपल है। हर एक बात बच्चों के लिए सिंपल है, सहज है। इसका नाम ही है सहज राजयोग। तो ओम मन मैं, और मैं कौन? आत्मा। फिर मेरा शरीर, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान, और मेरा शरीर बाप ने रचा। क्या रचयिता कौन है? किसका रचयिता है? आत्मा का रचयिता। आत्मा रची जाती है? आत्मा तो सदैव है। आत्मा कभी मरती नहीं है। मरता जीता कौन है? शरीर मरता जीता है। तो शरीर का बाप कौन है? हाँ, जो आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आता है, तो जिस देहधारी में आता है मुकर्रर रूप से, वो ही मेरा बाप। वो शरीरधारी बाप है। ये आत्मिक स्थिति में है, सदैव आत्मिक स्थिति में है। यह शरीरधारी है, शरीरधारी है,
तो सभी शरीरधारी मनुष्यों के मुकाबले उसका सदैव शरीर ज्यादा से ज्यादा शाश्वत रहेगा या बीच में ही चला जाएगा दूसरों के पहले? अंत तक शाश्वत रहेगा। तो वो है मेरा शरीर बाप, जिसने मेरे शरीर को रचा। कैसे? शरीर को कैसे रचा है? शरीर को मेरा बाप रचता है, शरीर का बाप या बेहद का बाप रचता है? है बेहद का बाप है तो माँ भी कैसी होगी? बेहद की माँ है। तो अपन को जानना है कि मैं कौन, मैं आत्मा और ये मेरा शरीर। शरीर कितने तत्वों से बनता है? और पांच तत्वों का जो संघात है उसका नाम क्या है? वो तो अलग अलग देह हैं, लेकिन जो पांच तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इनका संघात रूप कौन है? प्रकृति। बाप पहले बच्चों को रचता है या माता को रचता है? तो पहले पहले है माता। कौन सी माता? प्रमाणा प्रकृष्ट रूपेण, कृति माने रचना, जिसकी प्रकृष्ट रूप से रचना की है, एड़ी से लेकर के चोटी तक की ताकत लगा करके उस प्रकृति की रचना की है। किसने? बाप ने रचना की है। तो ये जानना है ना कि मेरा बाप कौन है और माता कौन है। आत्मा का संबंध माता पिता का होता है या नहीं होता है? आत्मा का संबंध, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मुझे ज्योति बिंदु आत्मा का संबंध माता पिता का बनता है या नहीं बनता है? है? आत्मा का एक ही संबंध है रचयिता बाप से। जो रचयिता बाप आकर के आत्मा का परिचय देता है, फिर हमको पता चलता है मैं आत्मा ज्योति बिंदु। माँ के द्वारा पता चला या बाप ने बताया? बाप ने बताया। माँ आत्मा को रचती है क्या? है नहीं रचती। हाँ, जब देहधारी मनुष्य में मुकर्रर तन में आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु प्रवेश करते हैं, तब माता और पिता दोनों का संबंध पक्का होता है। तो ये जानना है, डिफिकल्ट बात नहीं है कि मेरे माता पिता कौन हैं। मेरे माने किसके? आत्मा या जीवात्मा? जीवात्मा के माता पिता कौन हैं? एवरलास्टिंग। सृष्टि के आदि में भी और सृष्टि के अंत में भी मनुष्य अपन को जानते ही नहीं है। कहते हैं सोल रियलाइजेशन, और अभी आत्मा का रियलाइजेशन कोई कर ही नहीं सकते और कोई कराए भी नहीं सकते यथार्थ रीति से। ये तो बहुत कहते हैं,
ये जीवात्मा और ये शरीर कहते हैं आत्मा विनाशी है और ये शरीर विनाशी है, इतना तक तो बहुत जानते हैं, परंतु आत्मा का रूप क्या है? आत्मा जो इतना 84 जन्म का पार्ट बजाती है उसमें जन्म जन्मांतर का कैसा कैसा पार्ट भरा हुआ है ये तो बिल्कुल कोई नहीं जानते हैं। जानते हैं आत्मा रूपी इतना सूक्ष्म रिकॉर्ड उसमें कैसे अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को बाप ने पहचान दिए, तुम यात्री भी हो, तुम बैरिस्टर भी हो, पंडा भी हो, सर्जन भी हो, टीचर भी हो, वकील भी हो, सब हो। क्या 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 बताया है? सब हो, सब हो। अच्छा, तुम्हारे में सब प्रकार की शिफ्टें आ जाती है। तुम सर्जन हो, देखो बाप को कहा जाता है अविनाशी सर्जन। क्या तुम तो सर्जन हो लेकिन बाप की सर्जरी करने में अर्थात सर्जन होने में और तुम में क्या फर्क है? तुम सर्जन तो हो लेकिन सर्जरी करने वाले सर्जन मुंह क्या करते हैं? हैं? मुंह ढांक लेते हैं, ढकते हैं ना? क्यों है कि सर्जरी करते टाइम कहीं बीमारी के जर्म से मेरे अंदर ना आ जाएं? डरते हैं ना कि नहीं डरते? डरते हैं, वो जानते हैं कि हमको भी बीमारी खा जाएगी। और बाप, बाप डरता है हैं? ये डरता है कि भाई सीमा में रह करके सर्जरी करना, ऐसे नहीं 24 घंटे सर्जरी करते रहो है? या ढेरों की सर्जरी कर दो, डरता है? है, डरता ही नहीं। बाप को कहा जाता है विनाशी सर्जन, क्योंकि बाप जानता है मेरा विनाश तो हो सकता है, है? दुनिया का विनाश हो सकता है लेकिन बाप का विनाश नहीं हो सकता। क्या बोला मुरली में? कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता है। अभी वो सर्जन तुमको पढ़ाते हैं। कौन से सर्जन? जो अविनाशी सर्जन है, जिसका विनाश नहीं हो सकता है। पीछे उन लोगों को भी टाइटल होता है MBBS फलाना फलाना, MD वगैरह। क्या जो दूसरे सर्जन हैं उनको भी टाइटल मिलता है? बोलते हैं लंदन में पढ़ा। कहाँ पढ़ा? लंदन में पढ़ाई पड़ी, USA में पढ़ा, फलाने में पढ़ा। वो टाइटल लगा देते हैं। अभी उनको तो मनुष्य पढ़ाते रहते हैं और तुमको पढ़ाता है अविनाशी सर्जन। अविनाशी का अर्थ है आत्माओं का बाप, क्योंकि आत्माएं अविनाशी हैं और बाप भी अविनाशी है। लेकिन अंतर क्या है? है? अरे कुछ अंतर है?
बाप को बीमारी ऐसी नहीं पकड़ती है जो खलास कर दे या निश्चय बुद्धि बना दे, और बच्चों को बीमारी पकड़ लेती है। तो अविनाशी बाप हमको अविनाशी सर्जन बनाता है। कैसे है? हम कैसे अविनाशी सर्जन बनते हैं? है? अरे कौन से धर्म वालों को बनाता है अविनाशी सर्जन? जो सूर्यवंशी 4.5 लाख बच्चे हैं वो कैसे सर्जन बनते हैं? हैं? अविनाशी सर्जन बनते हैं। दुनिया खत्म हो जाएगी, सारी सृष्टि खत्म होगी, सब धर्म वाले परम धाम में जाके बैठेंगे और वो उनका विनाश नहीं होगा। तो देखो बाप आकर के तुमको मास्टर सर्जन बनाते हैं। कैसा सर्जन बनाते हैं? मास्टर सर्जन बनाते हैं। देखो ये सर्जरी कैसी है, इस सर्जरी में दुनिया की सब दवाइयां आ जाती हैं। क्या है तुम्हारी सर्जरी कैसी करेंगे? है फिर कोई दवाई की जरूरत रहेगी शरीर को? 2500 वर्ष तक कोई दवाई की जरूरत रहेगी? नहीं रहेगी। इस सर्जरी में सब दवाइयां आ जाती हैं, सब प्रकार की सर्जरी आ जाती है। क्या है कि कुछ रह जाएगी? है आंखों की सर्जरी होगी या नहीं होगी? है आंखों की ऐसी सर्जरी होती है कि आज भी उन देवताओं के नेत्र कमल याद आते रहते हैं। देवताओं की आंखें कैसी होती हैं? बड़ी आकर्षक होती है, क्योंकि तुम उनको एक सेकंड में जो रास्ता बताते हो वो तो है भविष्य के लिए, इस मृत्यु लोक के लिए नहीं है, फॉर फ्यूचर जनरेशंस। कितनी जनरेशंस के लिए रास्ता बताते हो जो बीमार नहीं पड़ते? 21 जन्मों के लिए। तो तुम फॉर फ्यूचर जनरेशंस एवर हेल्दी बना सकते हो, एवर तंदुरुस्त बना सकते हो, पर गारंटी ये है कि फॉर फ्यूचर जनरेशंस, क्योंकि यहां तो अनेक प्रकार का दुख भोगना है। क्या कहा? कोई कहे बाप अगर अविनाशी सर्जन है तो हम इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, एडवांस में आए हैं, हमारी सर्जरी अभी तक क्यों नहीं की? तो क्या जवाब देते हैं? है अरे इस जन्म में तो तुम्हारे जो 63 जन्म के पाप कर्म हैं तुम्हें ही भोगने पड़ेंगे। मैं तुम्हारे इस जन्म की सर्जरी करने आया तो हूँ, लेकिन पहले आत्मा की सर्जरी करूंगा या देह की सर्जरी करूंगा? पहले आत्मा की सर्जरी करूंगा, और उसका इस जन्म में ये भी रिजल्ट आ सकता है कि आत्मा तुम्हारी पावरफुल होती जाएगी और शरीर सड़ते जाएगी। हॉस्पिटल में भी कोई हट्टा कट्टा बीमार आदमी पहुंच जाता है, हेल्पलेस है, होपलेस, तो जब उसकी सर्जरी करते हैं तो सूख के काटिया होके निकलता है ना, है? हॉस्पिटल से कैसा निकाल के देते हैं? जान बचाए देते हैं, हड्डियां बचाए देते हैं, मांस सारा, खून सारा
सूख जाता है। जो एंटीबायोटिक देते हैं ना, वो एंटीबायोटिक कीटाणुओं को तो मार देते हैं, लेकिन वो कीटाणु सारे शरीर को पहले ही खा जाते हैं। ऐसे भी होता है ना, होता है या नहीं होता है? होता है। तो अनेक प्रकार के जो 63 जन्म के पाप कर्म हैं, वो तो तुमको यहाँ ही भोगने पड़ेंगे। क्या इस जन्म की मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ, जास्ती ही भोगना है। क्या और जन्मों के मुकाबले जास्ती ही भोगना है? बेसिक के मुकाबले है, बेसिक के मुकाबले भी जास्ती भोगना पड़े तो तुम्हारी दवाई जो है, अविनाशी सर्जन जो दवाई देते हैं, सर्जरी करते हैं, वो इस जन्म के लिए है या नहीं है? इस जन्म के लिए नहीं है, भविष्य 21 जन्मों के लिए है। ये तुम्हारा सब कुछ फार फ्यूचर जनरेशंस, और ये पढ़ाई यहाँ पढ़नी है। यहाँ जो कुछ भी पाप कर्म वगैरह हैं, उन सब पाप कर्मों को, चाहे पूर्व जन्म के हो चाहे इस जन्म के हो, योग से मिटाना है। ऐसे नहीं कि तुम यहाँ ही एवर हेल्दी एवर वेल्दी एवर हैप्पी बन सकते हो। यहाँ ही का मतलब क्या है? है? यहाँ माने इसे कलयुग की दुनिया में नहीं बन सकते क्या? इसे 84वें जन्म में तुम नहीं बन सकते, जब तक तुम्हारा पुरुषार्थी जीवन है। 84 जन्म का, 84वें जन्म का लास्ट जन्म का ये तुम्हारा पुरुषार्थी जीवन पूरा होगा। तुम्हारी आत्मा जब संपन्न बनेगी, फिर कौन सा जन्म होगा? है, फर्स्ट जन्म होगा। वो फर्स्ट जन्म 21 जन्मों में से पहला जन्म होगा, बीच का होगा या लास्ट का होगा? है, लास्ट का होगा। लास्ट का तो अभी चल रहा है, फर्स्ट जन्म का होगा। तो ये नॉलेज है फॉर फ्यूचर 21 जनरेशन। तुम क्या बन सकते हो? एवर हेल्दी बन सकते हो, एवर वेल्दी बन सकते हो, और एवर हैप्पी बन सकते हो। हेल्थ है तो वेल्थ है, और हेल्थ वेल्थ दोनों है तो हैप्पीनेस। समझा ना? है, हेल्थ कैसे बनेगी? हाँ, याद के बल से बनेगी हेल्थ। और वेल्थ जो ज्ञान है, ज्ञान रतन है, वो ही हमारी वेल्थ है। अगर ये हेल्थ और वेल्थ इस जीवन में है, ब्राह्मण जीवन में, तो तुम क्या बन जाते हो? एवर हैप्पी बन जाते हो। समझा? अगर हेल्थ में कुछ गड़बड़ है, क्या का है? अगर हेल्थ में कुछ गड़बड़ है, माना हाँ, अगर याद में कुछ गड़बड़ है, पूरी याद नहीं है, बीच बीच में बुद्धि मना इधर उधर तिरकता है, क्या तिरकता है ना? दुनिया में मनुष्य भी प्राणी है, पशु पक्षी भी प्राणी है, कीड़े मकोड़े भी प्राणी हैं। उन प्राणियों के बीच में ऐसी जनरेशन कौन सी है
जिनकी बुद्धि सबसे जास्ती भटकती है, है? बंदरों की है। इसलिए बाप आकर के बंदरों की ही सेना लेते हैं। ये अगर बंदर सुधर जाएंगे तो फिर सारी जनरेशन आप ही सुधर जाएगी। तो हेल्थ में गड़बड़ नहीं रहना चाहिए। क्या मन बुद्धि कैसी हो? बिल्कुल एकाग्र। उस एकाग्रता में और कुछ भी बीच में याद ना आए। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो हेल्थ है और वेल्थ भी बहुत है, तो हैप्पीनेस भी है। नहीं तो है, हेल्थ है और वेल्थ नहीं है, ऐसे हो सकता है? है? अरे ज्ञान होगा तभी याद अच्छी आएगी, या ज्ञानी को याद अच्छी आएगी? ज्ञान होगा तो याद भी अच्छी आएगी। तो हेल्थ और वेल्थ दोनों है तो हैप्पीनेस है। अगर वेल्थ नहीं है और हेल्थ बहुत अच्छी है, क्या क्या कहा? ज्ञान नहीं है और याद रूपी हेल्थ बहुत अच्छी है, तो भी क्या होगा? अंत में माया क्या करेगी? है? तो भी हैप्पीनेस नहीं हो सकती। क्या माया क्या करेगी? ज्ञान नहीं होगा तो माया हिलाए देगी, बाप के प्रति अनिश्चय बुद्धि बना देगी। तो तुम अपन को सर्जन ही समझेंगे ना, क्योंकि तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। क्या कोई इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के न बच्चे नहीं हो? किसके बच्चे हो? है? अविनाशी सर्जन के। तो ये जरूर है कि पंडे भी समझते हो, पर सब कुछ समझते हो अपन को, क्योंकि बाप आकर के ये सब जो भी यहाँ की इंसान है, जो भी इंसान वगैरह हैं, उन सब का तंत्र बताई देते हैं। इंसान में भांति भांति के प्रश्न आते हैं ना, तो उन प्रश्नों का समाधान कर देते हैं। 34-64 की वाणी का दूसरा पेज, वो तंत्र, सब बातों का तंत्र जो बाप बताते हैं, वो तुमको फार फ्यूचर 21 जनरेशन हर बात में सुखी रखते हैं, क्योंकि हेल्थ भी है वेल्थ भी है। ये तो जरूर है, हेल्थ है वेल्थ है और हैप्पीनेस, ये तीनों सबको एक जैसी नहीं मिलती हैं। मिलती हैं? है? नंबर बार मिलती है। किसी के पास धन बहुत होता है, बरोबर कहेंगे इनके पास पैसे बहुत हैं। अभी बाकी खुशी अथवा हैप्पीनेस जिसको कहा जाता है, तो सबको ही हो जाती है, परंतु धन का फर्क तो रहता है ना, जरूर रहता है। निरोगी भी सभी रहेंगे नई दुनिया में। ये भी बता देते हैं कि तुम सब निरोगी भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे। हेल्दी कैसे रहेंगे? है? है? हाँ, वहां याद की हेल्थ होगी कि नहीं होगी? होगी होगी।
सबको हेल्थ होगी वहाँ है। अरे याद की हेल्थ होगी। अरे अरे बिंदु रूप आत्मा याद रहेगी कि नहीं रहेगी? जब आत्मा याद रहेगी तो बाप भी कैसा है? उस आत्मा में बाप का रूप भी समाया हुआ है या नहीं है? समाया हुआ है। तो कैसे कहेंगे हेल्थ अच्छी नहीं होगी? हेल्थ तो सबकी अच्छी होगी, नंबर वा तो जरूर होते। समझा ना? बेल्थ किसको कम होती है, किसको जास्ती होती है। और ये बेल्थ जास्ती कम होना 21 जन्म के लिए, ये सब तुम्हारे ऊपर है। क्या तुम्हारे ऊपर कैसे है, है? बाप के ऊपर क्यों नहीं? अरे बाप तो सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ाता है, लेकिन सब एक जैसी पढ़ाई पढ़ने में रुचि लेते हैं, लेते हैं नहीं लेते? हाँ याद तो जरूर करेंगे। याद बगैर तुम किससे वर्षा लेते हो? बिना याद के तो तुमको वर्षा भी नहीं मिलेगा। किसकी याद से? बाप की याद से तुमको वर्षा मिलता है। तो योग तो एक ऑर्डिनरी बात है कि बाप से योग लगाना है, फिर बाकी है धन की बात। तो जितना तुम अविनाशी ज्ञान रतन धारण करेंगे, औरों को कराएंगे, इतना तुम ऊंचे पद पाएंगे। क्या ऊंच पद पाने का तरीका क्या बताया है? बाप की जो प्रॉपर्टी है उसको खुद धारण करना और दूसरों को धारण कराना। अगर इसमें बहुत तीखे होंगे तो पद भी तुम्हारा बहुत ऊंच बनेगा। तुमको समझा दिया है कि वहां तुम्हारा जो कर्म है वो विकर्म तो बनता ही नहीं। क्या तुम जो 21 जन्म कर्म करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? हैं? कर्म तो करेंगे, हाथ पांव आंख कान ये ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां कर्म करेंगी या नहीं करेंगी? कर्म तो करेंगी, लेकिन विपरीत कर्म वहां नहीं होंगे, क्योंकि सदैव तुमको आत्म की स्मृति रहती है। विपरीत कर्म कब होते हैं? हैं? देह अभिमान के कारण विपरीत कर्म होते हैं। देह अभिमान में आना रावण सिखाता है, तो रावण विकर्म बनाई देता है। वहां तो माया का राज ही नहीं होगा। कहां? सतयुग त्रेता में माया का राज्य होगा ही नहीं। बाकी साहूकार गरीब तो सभी दुनिया में होते ही हैं, और एक जैसे साहूकार तो सब होते ही नहीं, गरीब भी नहीं होते, एक जैसे हो ही नहीं सकते। राजा रानी वो तो जरूर बड़ा पद पावेंगे। तो अभी तुम अपन को ऐसे ही समझो कि अभी हम ईश्वरीय कॉलेज में कहां पढ़ाई पढ़ते हैं? है मनुष्यों की कॉलेज नहीं है ये, या मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं? हम कौन सी कॉलेज में हैं? हमारी कॉलेज का नाम क्या है? गॉडली यूनिवर्सिटी है। तो बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ी कैसे? दुनिया में जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें थोड़े थोड़े लोग पढ़ते हैं कि सारी दुनिया पढ़ती है? थोड़े थोड़े पढ़ते हैं। और इस यूनिवर्सिटी में सारी दुनिया पढ़ाई पढ़ती है,
कोई फेल हो जाते हैं, कोई पास हो जाते हैं। तो है तो बड़ी यूनिवर्सिटी, और इसमें हम ये इम्तहान सीखते हैं, ये हेल्थ का इम्तहान भी है, वेल्थ का इम्तहान भी है, और हैप्पीनेस का भी इम्तहान है। इम्तहान होगा तो सब हैप्पी रहेंगे, कि प्रश्न पत्र कड़ा आ जाता है तो मुंह लटक जाता है, है मोड़ा लटकता है कि नहीं, लटक जाता है। कोई कोई तो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्या हमारा प्रश्न पत्र खराब हो गए, हम सुसाइड कर लेंगे। तो देखो, तुम्हारे में ये सारी शिफ्टें आ जानी है, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई वर्ल्ड की नहीं होती है, जो वो पढ़ाते हैं, और ये है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तुम मास्टर सर्जन सभी जान गए हो कि हम फ्यूचर में 21 जन्म के लिए 21 जनरेशन तुम हेल्दी बन जाएंगे। अच्छा, फिर तुम उनको षष्ठी चक्र का राज बताते हो कि षष्ठी का चक्र ऐसे ऐसे फिरता है, क्योंकि यह है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी दुनिया में कोई को पता नहीं है, वर्ल्ड की माना पहले शुरू से लेकर के पुरानी वर्ल्ड तक। और वर्ल्ड कोई ये नहीं है जिसकी हिस्ट्री मनुष्यों के पास है। मनुष्यों के पास कितनी हिस्ट्री है? 10,000 साल की हिस्ट्री है, परंतु ये तो फ्रॉम बिगनिंग, सतयुग से लेकर के कलयुग तक ये वर्ल्ड है। वर्ल्ड ये नहीं है कि बस मुसलमान कैसे आए, अंग्रेज कैसे आए, और कितना टाइम पहले आए। वर्ल्ड माना सतयुग से लेकर के, अर्थात सतयुग में कौन राज्य करते थे, उनको राज्य कैसे मिला, कौन राज्य करते थे, हैं लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, उनको किसने राज्य दिया, हैं तो बाप ने राज्य दिया सतयुग के नारायण को, हैं शिव बाबा ने राज्य दिया, और शिव बाबा ने जो विश्व की बादशाही प्राप्त की वो किससे प्राप्त की, है भगवान बाप से प्राप्त की। भगवान बाप आकर के नर से नारायण बनाते हैं। तो ये जानना है कि सतयुग में राज्य कैसे मिला, और वो राज्य फिर कहाँ गुम हो गया, ये बात तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा नहीं जानते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ये लोग जो समझाते हैं तो ये इसको ही समझते हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी 2,500 वर्ष की, और फिर नाम रख देते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स की ज्योग्राफी हिस्ट्री।
ये समझते हैं सारी दुनिया की नॉलेज हम दे सकते हैं, परंतु ये जो नॉलेज देते हैं वो कौन से खंड की नॉलेज है? हैं? ये झूठ खंड की नॉलेज है, ये झूठी नॉलेज है, आधी दुनिया की नॉलेज है। और आधी दुनिया की नॉलेज तो कोई जानते ही नहीं है। जो कुछ भी कहेंगे सब झूठ, नहीं तो यूनिवर्सिटी दुनिया में कोई भी नहीं होती है। यूनिवर्सिटी तो सिर्फ एक बाप ही बनाते, वो यूनिवर्स का मालिक है, जिसमें स्वयं आकर के पढ़ाते हैं, वो कोई से शांति नहीं चाहते हैं। कौन है? कौन कोई से शांति नहीं चाहते हैं? जो अविनाशी सर्जन आकर पढ़ाते हैं वो कोई से शांति की भीख नहीं मांगते हैं। सबको शांति देने वाला है, शांति का रास्ता बताने वाला है, या शांति की भीख मांगने वाला है? वो तो देने वाला है, दाता है। मनुष्य आते हैं कहते हैं शांति चाहिए, हमको सुख चाहिए। अरे जानवर कोई से मांगते हैं क्या कि हमको सुख चाहिए शांति चाहिए? मांगते हैं? वो तो नहीं मांगते। हर एक मनुष्य तो धक्का ही खाते रहते। सन्यासियों के पिछाड़ी धक्का खावेंगे, डॉक्टरों के पिछाड़ी धक्का खावेंगे, बैरिस्टरों के पिछाड़ी धक्का खावेंगे, सब तरफ में हर एक धक्का ही धक्का खाते रहते। धक्के खाते हैं कि ये चीज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, परंतु नहीं, बाबा तो आकर के तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं 21 जन्म के लिए। तुम ऐसे सर्जन के मास्टर हो तो तुम्हारे पास बोर्ड होना चाहिए। अभी बोर्ड लगाओ, जबकि तुमको पासपोर्ट मिले, और घर घर में जाओ, अपन में हिम्मत चाहिए कि हम ये यूनिवर्सिटी 3 पैर पृथ्वी में खोल सकते हैं। हमें ज्यादा लंबी चौड़ी जगह नहीं चाहिए। 30-4-64 की वाणी का तीसरा पेज। ये यूनिवर्सिटी भी हुई, ये कॉलेज भी हुआ, और ये हॉस्पिटल भी है। इसमें सब आ जाता है। अगर हमारे में हिम्मत है तो खोलने की 3 पैर पृथ्वी के लगते हैं। भले अपने घर में, उस घर में 1 कमरा नीचे में रख सकते हैं। क्या कहा? ऊपर में क्यों नहीं है? कि शादी किए हुए बच्चे को, बहू को ऊपर के कमरे में रख दे और हम नीचे के कमरे में हो जाएं, गीता पाठशाला खोल दे, ऐसा क्यों नहीं कहा है? अरे वो हमारे सर के ऊपर हगन हट्टी करेगा क्या है? हमारे सर के ऊपर गंद करने वाले को बैठाएंगे क्या? तो कहां खोलना है? हैं? बोल दिया, नीचे रख सकते हैं। ऐसे बहुत होते हैं, ऊपर में घर होता है तो नीचे में अस्पताल खोल देते हैं। तो तुम भी नीचे 3 पैर पृथ्वी का खोल करके तुम जा करके कोई कोई का देखेंगे, इस गलीचे जितना उनका अस्पताल होगा,
तो वो रख करके उसमें लिख देना चाहिए। तुम्हारे पास अंदर में कोई दवाई सामान बामान कुछ नहीं सिवाय इन चार चित्रों के। हाँ बिगर चित्र भी तुम समझा सकते हो, परंतु नहीं, छोटे बच्चे आते हैं इतना बुद्धि में नहीं बैठेगा। क्या कहा है? छोटे बच्चे कौन? 3-4 साल के बच्चों को इकट्ठा करना है क्या? है छोटे बच्चे से बाबा का क्या मतलब है? बेबी बुद्धि माना ब्रह्मा बाबा जैसे है? ब्रह्मा बाबा जैसे है? थोड़ा बताया, छोटे बच्चे का मतलब है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बाद में आए हैं। तुम बड़ल्ले बच्चे हो या छोटे बच्चे हो? है तुम तो भगवान के बड़े बच्चे हो। तुम पहले इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आए या और धर्म वाले आए? है हम तो पहले आए, तो हम हो गए बड़े और बाकी सब हैं छोटे बच्चे। तो उन छोटे बच्चों को इतना बुद्धि में बिना चित्रों के बैठेगा नहीं। इसलिए ये चित्र हैं, इतने सभी चित्र देवताओं के क्यों हैं? ये इसलिए हैं कि वो घर भी बैठे रहें और याद करें। घर में ये चित्र रख करके फिर दूसरी जगह दूर में जाने की दरकार क्या है? कृष्ण का चित्र घर में है, बस वही कृष्ण को याद करना है। मंदिर में दूर दूर जाने की दरकार क्या है? अच्छा कोई जाते हैं अमरनाथ, वहां लिंग रखा हुआ है, पार्वती शिव बैठाए हुए हैं। तुम यहां लिंग और शिव पार्वती घर में रखो। क्या कहा है? तुम क्या करो? तुम यहां लिंग और शिव पार्वती घर में रखो। बात तो एक ही हो जाती है, शिव के पास काशी में क्यों जाते हो? बताओ भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? शिव के पास काशी में जाते हैं। अरे तुम लिंग घर में रख दो, काशी में जाने की क्या दरकार है? कहाँ की बात बताई है? कैसे है? क्या तो याद से बहुत है? अरे यहाँ भी कोई काशी है ना, शंकर की प्यारी नगरी कौन सी बताते हैं? काशी नगरी क्यों? 3 देवियों में से कोई क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि वो जैसा योग लगाती है वैसा योग कोई भी नहीं लगाती। क्या योग बल से ही सारी स्थापना का फाउंडेशन लग जाता है। तो तुम जानते हो कि शिव आया हुआ था, हैं? जब आया था तो 3 देवियों का आधार लेकर आया कि नहीं आया? 3 देवताएं थे तो 3 देवियां भी हुई ना। यज्ञ के आदि में 3ों देवियां थी या नहीं थी? थी, परंतु क्या उनके द्वारा स्थापना हुई है? नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ा? पड़ा कि नहीं पड़ा? नहीं पड़ा। तो शिव आया हुआ था, जरूर कुछ करके गया होगा, अकेले ही किया होगा,
या कोई शक्ति का आधार लिया होगा है। आधार लेकर के करता है बात, इस बात का कोई को पता ही नहीं है। क्या कहा है कि जितने भी 12 ज्योतिर्लिंगम हैं, उनमें सबसे जास्ती महत्व कौन से ज्योतिर्लिंगम को देते हैं? नहीं, सोमनाथ तो पहला नंबर है, पहले पहले स्थापन हुआ, लेकिन महत्व कहाँ के लिए देते हैं? काशी को बहुत महत्व देते हैं। हाँ, वो उनको पता नहीं है बिल्कुल, लेकिन पूजा करते हैं। चलो शिव का चित्र यहाँ पर रख दो, पूजा करो। अरे तुम धक्का क्यों खाते हो है? 2500 वर्ष के ड्रामा में भक्ति मार्ग में धक्के खाते हैं या नहीं खाते हैं? शूटिंग कहाँ करते हैं है? शूटिंग यहाँ की है। अभी बुद्धि की बात है समझने की। तुम बुद्धिमान बाप के बच्चे हो ना है, तो तुम्हारी बुद्धि में बात बैठती है कि अमरनाथ पर काशी में जाकर के धक्के क्यों खाते हैं शिवलिंग पर? जब जगदम्बा के पास आते हैं, चित्र तो सब प्रकार के मिल जाते हैं। इस बात की यादगार हैं जगदम्बा के जो चित्र मिलते हैं, किस बात की यादगार हैं? अरे चरित्र की यादगार है ना चित्र। तो चलो जगदम्बा का चित्र तुम घर में रख दो, बात तो एक ही है, वहां जाकर के क्या करेंगे? जैसे वहां पूजा करते हो वैसे घर में कर दो, तो घर में मंदिर बनाए दो। बाप भी समझाते हैं कि तुम हर एक घर में ही बना दो और वहां लिख दो कि फार फ्यूचर, फ्यूचर अक्षर जरूर लगाओ। नहीं तो कोई बोलते हैं कि यहां हमको शांति नहीं मिलती है। क्या ब्रह्मा कुमारियों में जाते हैं तो हमको शांति मिल जाती है, मंदिरों में ठिकानों में जाते हैं तो वहां हमको शांति मिल जाती है, और यहां हमको उतनी शांति नहीं मिलती है? क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जगदम्बा क्या है, काशी क्या है, अमरनाथ किसकी यादगार है, सोमनाथ मंदिर किसकी यादगार है, इसका तो किसी को पता है ही नहीं। तो पहले तो जानना चाहिए ना। अरे शांति के लिए तुमको युक्ति बताते, फार फ्यूचर जनरेशन शांति भी ले लो, इस जन्म की बात छोड़ो, इस जन्म में तो तुमको वो ही मिलेगा जो तुमने 63 जन्म कर्म किए हैं। 21 जन्मों के लिए शांति भी ले लो, पवित्रता भी ले लो, सुख भी ले लो, संपत्ति भी ले लो, सब प्रकार की सब चीजें ले लो। तुम थोड़ा समझने से सब ले सकते हो, बस फिर वहां घर में अपना छोटा सेंटर लगाए करके खर्चा तो कुछ भी नहीं है, भले किसको किराए की भी जगह हो तो भी उसमें थोड़ी टुकड़ी तो निकाल सकते हो ना। बाबा भी तो ये समझेगा ना कि इनमें कौन कौन ऐसे हैं जो फट से डायरेक्शन सुन करके अमल में लाते हैं। बाबा सिर्फ तुमको तो नहीं बताते हैं ना, बताते तो सबको हैं। अच्छा गरीब भी तो कर सकते हैं ना,
जो गरीब होगा तो उनके पास भी झोपड़ी तो होगी ना, तो उस झोपड़ी में भी तीन पैर पृथ्वी के निकाल सकेंगे ना, बोर्ड भी तो लगा सकते हैं। बाबा इंग्लिश में कह देते हैं चलो हिंदी में लिख दो, तो तुमको भविष्य 21 जन्म के लिए तंदुरुस्ती, शांति, सुख और संपत्ति ये सब मिल सकते हैं। और एक सेकंड में 21 जन्म की सुख शांति पूरी ले सकते हो। इतनी बड़ी बात एकदम फ्यूचर जनरेशन एक सेकंड में। गायन भी है, एक सेकंड में जनक को जीवन मुक्ति मिली, परंतु जनक को वहां तो नहीं मिली ना, वो जनक फिर जाकर के सीता का बाप बना। तो ये एक दृष्टांत थोड़ा ठोक दिया है और ठीक है, समझाया जाता है कि बरोबर तुम सभी जनक हो, एक जनक की बात नहीं है। जनक राजा, जनक रानी, ये सभी प्रवृत्ति मार्ग है। अभी इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। बाबा बोलता है अगर धन तुमको जास्ती हो तो तुमको यहाँ बाबा को आकर नहीं देने का है। बाबा नहीं कहते तुम यहाँ आकर के हमको दे दो, क्या कहते हैं? है धन के लिए बाबा क्या कहते हैं? हमको दे दो है? कहते हैं नहीं? क्या कहते हैं? नहीं कहते हैं इस धन से तुम सेवा करो। अगर धन तुमको जास्ती हो तो यहाँ देने की दरकार नहीं, तुम सर्विस करके दिखाओ। क्या क्या करो? धन से सेवा करके दिखाओ, बाबा तुमको डायरेक्शन देते रहेंगे ऐसे ऐसे करो। धनवान हो तो ऐसा एक सेंटर बनाओ। क्या क्या करो? ये नहीं कहते कि सिर्फ गीता पाठशाला ही खोलो। अरे गीता पाठशाला में तो कोई धन की दरकार ही नहीं, तो क्या कहते हैं? गीता पाठशाला को क्या बना दो है? मधुवन बना दो, सेंटर बना दो, भले घर ऊपर में बनाओ। मतलब कोई जगह, कोई सी भी जगह दे दो। देखो बड़े बड़े हाल ढूंढते रहते हैं, बड़ी जगह देंगे तो उसमें प्रदर्शनी रख सकते हैं, छोटे हैं तो भले छोटे कमरे में। अपन को सर्जन जरूर समझो, एक्यूरेट, अच्छी तरह से हिम्मत चाहिए। इसमें कोई से लड़ना झगड़ना नहीं है, बिल्कुल तुमको अच्छे चित्र मिल जाते हैं। कोई भी कहे बाबा मैंने तीन पैर पृथ्वी पर इतना घर में ये खोला है, इस घर में मैं अपनी स्त्री को भी लाता हूं, उसे भी ज्ञान में लाता हूं। चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले पहले घर में खोलो, फिर बहनों को, भाइयों को, चाचा को, मामा को, उनको भी ये वंडरफुल बातें बताओ, दिखलाओ। ये तो बिल्कुल सहज समझने की बातें हैं। ये बाबा ने आगे भी कहा था कि मेरे को याद करो तो तुम मेरे से, योग अग्नि से तुम्हारे सारे विकर्म भस्म हो जाएंगे, हेल्दी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।